नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टैल्क पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान में किया सुधार, पर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले होगी बड़ी गिरावट। ईडब्ल्यूएस कोटा केंद्रीय एजेंसियां, विपक्ष ने सरकार से की संसद में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। G20 को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी बोले सभी का योगदान जरूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों को पकड़े एजेंसियां। भूमि संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई देश पिछड़े, एशिया की सबसे खराब स्थिति। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक, रो आईबी व इंटेलिजेंस के कई अधिकारी मौजूद। भाजपा ने संभावित बुरे परिणाम के लिए कांग्रेस को आत्मघाती राजनीति का ठहराया जिम्मेदार। बंगाल के कामतापुर राज्य की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन तेज, कई घंटों तक संचालन हुआ प्रभावित। हरियाणा में दो चरणों में होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले जयपुर से गिरफ्तार, मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का लगाया था आरोप। तालिबान सरकार को मान्यता देगा यूएई, यूएई के राष्ट्रपति से मिले अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। जहां आवाज कुचली जाती हो वहां बैकफुट पर सरकार, कोरोना पॉलिसी जिनपिंग के लिए बनी गले की हड्डी। बांग्लादेश से हार के बाद भारत को दूसरा झटका, टीम इंडिया पर लगा 80% जुर्माना। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में 22 साल बाद हराया, रावलपिंडी में 74 रन से दी शिकस्त। कंपनियों में छंटनी का दौर जारी, अब पेप्सिको बना रही सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना। वैश्विक बाजार में गिरावट से दबाव, सेंसेक्स निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट। सिंगल विंडो के तहत आवेदन के लिए अब पैन का भी किया जा सकेगा उपयोग। टेक सिटी से चल रहा था फर्जी पीएचडी और मास्टर डिग्रियों का धंधा, पुलिस ने दबिश देकर चार को दबोचा। लातवियाई पर्यटक की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषियों को उम्रकैद, केरल की कोर्ट ने सुनाई सजा। महाराष्ट्र कर्नाटक में सीमा विवाद गहराया, शिंदे के मंत्रियों की बेलगावी यात्रा टली, बताई वजह। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का मामला, शिंदे व उद्धव गुट की याचिकाओं पर 13 जनवरी को होगी सुनवाई। गोवा में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच युद्धाभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। दिल्ली रवाना होने से पहले बोली सीएम ममता, G20 लोगों कोई मुद्दा नहीं, सरकार को दिया सुझाव। एनएसए अजीत डोभाल बोले अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय। हिमाचल में भाजपा ब्रिगेड की हर चाल में कांग्रेस को मात देने की तैयारी। अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट डिप्टी एनएसए विक्रम मिश्री से मिले, अफगानिस्तान में साझा हितों पर हुई बात। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट, उतारी गई एनडीआरएफ की 6 टीमें। शिंदे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी एमवीए, शीतकालीन सत्र से पहले निकाला जाएगा मार्च। 117 एजेंसियां सख्त एफसीआरए के दायरे से बाहर, दे सकेगी चंदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुनिया बदल गई है, सीबीआई को भी बदलना चाहिए।
गुजरात में बेहतर बूथ प्रबंधन के बूते भाजपा को सबसे बड़ी जीत की उम्मीद, प्रधानमंत्री मोदी को अपना चेहरा बनाया। गुजरात में अंतिम क्षण तक चली कद्दावर बनने की जंग, महज सरकार बनाने की जद्दोजहद भर नहीं हुआ ये चुनाव। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कुमारी सेलजा को बनाया महासचिव, रंधावा को मिली राजस्थान की जिम्मेदारी। हैदराबाद में लगा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, अब केस नहीं सीधे निकाल सकेंगे सोने के सिक्के। विवाद के बीच मंत्रियों के कर्नाटक दौरे पर अंतिम फैसला, सीएम शिंदे लेंगे, फडणवीस ने कही बड़ी बात। सीजेआई ने कही छोटे व्यवसायिक मामलों में प्री हियरिंग कॉस्ट लगाने की बात, शीर्ष कोर्ट करेगा हैकाथन। सुप्रीम कोर्ट में जाली मुद्रा और कालाधन जरासंध की तरह इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, कोर्ट में केंद्र ने कही बड़ी बात। वहीं मुलायम परिवार पर आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन को कोर्ट ने बताया संविधान के खिलाफ, इस मुद्दे पर केंद्र से जांच को कहा। गुजरात में फिर भाजपा सरकार का अनुमान, हिमाचल में करीबी मुकाबले और दिल्ली में आपका जादू। सहकारी बैंक के कमीशन एजेंट की 31 करोड़ की संपत्ति जब्त, इसमें 20 अचल संपत्तियां भी शामिल। असम में सांसद बदरुद्दीन की विवादित टिप्पणी पर सीएम हेमंत का तंज, बोले महिलाएं बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं। होमगार्ड स्थापना दिवस 2022, सीएम धामी की जवानों को सौगात, भोजन भत्ता समेत की कई बड़ी घोषणाएं। संजय राउत का आरोप, राज्यपाल कोश्यारी रोज उठकर शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। यूपी विधानमंडल सत्र, मुख्यमंत्री योगी ने चर्चा में दिया जवाब, बताया क्यों लाना पड़ा अनुपूरक बजट। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा टॉपरों के लिए शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा, दिया जाएगा 25,000 का पुरस्कार। वहीं 4 महीने में बना दी 1 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। शिमला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव के नतीजों पर रखेंगी नजर। जम्मू कश्मीर के सोफिया में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पाकिस्तान से फिर आया ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग तो लोटा, 1 पैकेट हेरोइन बरामद। पंजाब में कड़ाके की ठंड के लिए अभी करना होगा इंतजार, दिसंबर में सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा तापमान। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल, केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा को बनाया प्रदेश प्रभारी। इंदौर में कॉलेज में मिली हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाली किताबें, शिक्षा मंत्री ने बनाई जांच समिति। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं, धन्यवाद।